नमस्कार दोस्तों, आपके लिए कोर स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक का स्टॉक है और बैंक सेक्टर के अंतर्गत ये स्टॉक आता है दोस्तों, और NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। स्टॉक की एवरेज ड्यूस्ट के हिसाब से जो क्लोजिंग प्राइस बनी है आज की डेट में 1,762.45 पर यहाँ पर स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस बनी है। एवरेज ड्यूस्ट के हिसाब से प्रति शेयर पर जो गिरावट बना है कोटक महिंद्रा बैंक के प्रति शेयर पर 64.05 का यहाँ पर स्टॉक में गिरावट बनी है। आज की डेट में यहाँ पर जो गिरावट रिटर्न है दोस्तों 3.52% का यहाँ पर गिरावट रिटर्न भी आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में बना है और NSE BSE दोनों में लिस्टेड है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा छोटा सा लाइक करना ना भूलें दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में यहाँ पर दोस्तों जो कि 2,253 के स्टॉक में यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिला था स्टॉक में दोस्तों, जो कि यहाँ पर 1,600 के आसपास का यहाँ पर सपोर्ट बनाया था स्टॉक में दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो, और यहीं से बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी और स्टॉक यहाँ पर एक ही सपोर्ट ट्रेंड में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गिरावट का सपोर्ट रेंज यहाँ पर 1,700 के आसपास है और यहाँ पर दोस्तों जो कि 1,750 के आसपास का भी गिरावट यहाँ पर सपोर्ट रेंज बनता हुआ नजर आ सकता है स्टॉक में। और बाइंग की मोमेंटम तो यहाँ पर दोस्तों जो कि आप देख सकते हो 1,875 के आसपास यहाँ पर बाइंग का मोमेंटम है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो कि ज़्यादा ही मोमेंटम यहाँ पर 2,000 के आसपास या 2,100 के आसपास या 2,200 के आसपास दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ पर सटीक जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा छोटा सा लाइक करना ना भूलें दोस्तों। वित्तीय जोखिम की संभावना हो सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी पर निवेश करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।